प्रेस दल और हाल लुआईआ यु मसीह के बबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फ़जल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं पास्टर विल्सन जहाज का बहुत बहुत सलाम और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और इस ईमान के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों के अंदर अपनी अपनी जगहों पर खुदांद के फ़ल के अंदर हैं और खुदाद का जलाल आपके चौगर्द है और आप इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खुदांद के फ़ल के वसीला से इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि खुदावंद इसीलिए इस जमीन के ऊपर आया कि वो हमें कसरत की जिंदगी बख्शे और इस कसरत की जिंदगी को हम उसके कलाम के वसीला से और उन सारी बातों के वसीला से इंजॉय करें और हमारे वसीला से खुदांद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल मिले मेरे अजीज हम खुदांद की शुक्र करते हैं इन सभी बातों के लिए जो खुदावंद हर रोज हमारी जिंदगी के अंदर हमें अता करता है और आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं खूबसूरत एपिसोड को लेकर जिसमें हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और यकीनन, जो भी बातें आज यहां पर की जाएंगी इनके वसीला से खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा और यह आपके लिए इंक्रेजबल होंगी कि आप इन बातों को सुने और सीखें और अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर इनको लें ताकि आप इस जमीन के ऊपर खुदा उनके फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल करें और उसका नाम हमारी जिंदगी के वसीला से दूसरों तक पहुंचे और दूसरे उसकी तारीफ करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें आए आजीजो हम खुदा उनकी शुक्र जारी करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं मेरे साथ स्टूडियो में बहुत खूबसूरत टीम जो है वो आज मौजूद है जो खुदावंद के खेत के अंदर काम कर रहे हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल जो है वो दे रहे हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर नसीम बरकत साहब भाई साहब हम आपको वेलकम करते हैं इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर शुमाइला नसीम साहिबा सिस्टर हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर और इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर मूसा पीटर साहब भाई साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर हिना मूसा सिस्टर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर और मेरे जीज़ आज के प्रोग्राम के वसीला से भी खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा और जिस तरह आप पहले हमें फीडबैक देते हैं प्रोग्राम के ताल्लुक से कि आपको इन बातों के वसीला से बरकत मिल रही है इस प्रोग्राम के वसीला से आप जो है वो खुदा उनके फ़ज़ल का तजर्बा अपनी ज़िंदगी के अंदर करते हैं क्योंकि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप उसके फ़जल के अंदर दिन ब दिन बढ़ें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें आए

जो आपने हम सब के में लाया है खुदावंत, हमारा यहाँ पर मिल बैठना इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक खुदावंद हम तेरे हजूर में देते हैं खुदावंद हम यहाँ पर जो भी कलाम यहाँ पर शेयर किया जाए जो भी अल्फाज जो भी बातें की जाए खुदावंत, सब तेरी हमत और दानाई के वसीला से हो हमारे होंठों का जिम्मा ले हमारा बोलना हमारा सुनना सब कुछ खुदावन, तेरे ही वसीला से हो इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ जो लोग इस प्रोग्राम को सुने खुदावन, वो इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी बरक़ात को हासिल करें यही कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं मसीह अपने खुदावन युसु के नाम हिना का बड़ी खूबसूरत दुआ हमारे नाजरीन के लिए की और देखें नाजरीन हम खुदांद की शुक्रगुज़ारी करते उसके फ़ज़ल के लिए जो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो करता है ताकि हम उसमें बढ़ें फूलें और तरक्की पाएँ और अजीज आज मैं आपके सामने इस बात को लाना चाहता हूँ जैसे कलाम मुकदस के अंदर लिखा मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदांद को जो है वो कबूल करते और अपना आप जो है वो उसके सुपुर्द करते हैं आज हम ख़ास तौर पर जो है नौजवानों के लिए दुआ करेंगे और जो नौजवान ख़दमत के अंदर आना चाह ऑलरेडी खिदमत के अंदर हैं हम इस ताल्लुक से जो है वो बात करेंगे और खुदाउन के नाम को जब वो इज्जत और जलाल देखें देखें दाऊद जो है जब अपने आप को खुदावन के साथ लेकर चलता है तो कलाम में हम इस बात को सीखते हैं कि वो जवानी ही के अंदर अपने आप को खुदा उनके लिए सौंप देता है और उसकी रहनुमाई के अंदर जो है वो चलता है और फिर ग्रेजुअली जब वो स्परिचुअली तौर पर ग्रो अप होता है तो हर लम्हा हर मोड़ के ऊपर वो खुदा उनकी रहनुमाई को उसके कलाम को अपने सामने जो वो रखता है और खुदा उनके नाम को जो है वो इज्जत और जलाल जो है देता है और जब वो इस बात के अंदर इस मशवरत के अंदर खुदावंद के साथ चलता है तो खुदावंद हर मोड़ के ऊपर जो है वो उसकी रहनुमाई करता है और जब भी वो किसी मुश्किल के अंदर आता है किसी मुसीबत में घिर जाता है तो वो खुदावंद पर भरोसा करता और उसको अपने सामने रखता और खुदावंद यकीन हर बार उसको उस मुसीबत में से प्रॉब्लम में से जो है वह निकालता है और उसकी जिंदगी के अंदर अपने फजल को जो है वह जाहिर करता है और यहाँ पर जो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ ज़बूर फोर्टी के अंदर ज़बूर चालीस के अंदर भी दाऊद बड़ी खूबसूरत बात कलाम मुकदस में लिखता है दूसरी आयत के अंदर उसने मुझे हवलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पाउच टान पर रखे और मेरी रवश को कायम किया हाल लुईया द लॉर्ड और देखें ये बात दाऊद की ज़िंदगी में से हमें मिलती है जब भी वो मुसीबत के अंदर है वो इधर उधर नहीं दौड़ता बल्कि वो हमेशा अपने आप को खुदावंद के सपुर्द करता है और अपनी आंखें जो है वो पहाड़ों की तरफ उठाता है खुदावंद की तरफ लगाता है कि खुदावंद मेरी कुमक तू ही है जब आप खुदावंत पर तोल करके भरोसा करके अपने प्लान्स को अपने मंसूबों को अपने मुस्तबिल को जो भी आप करना चाहते हैं खुदावंत के सपर्द करेंगे तो यकीन खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा और जो उसमें बेस्ट है जो बेहतरीन है आपके लिए वो आपके सामने जो है वो लेकर आएगा और खुदांद के नाम को जो है वो फिर आपके वसीला से जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो मिलेगा और खुदावंद आपको सरफराजी और बरकत की तरफ जो है वो लेकर जाएगा जिस तरह दाऊद कहता है कि उसने मुझे कीचड़ में से दलदल में से जब मैं मुश्किल के अंदर था परेशानी के अंदर था डर और खौफ के अंदर था खुदावन ने मुझे संभाला और निकाला और उसने उसने मेरी रविश को जो है वो कायम किया उसने मुझे खड़ा किया दूसरों के सामने वो जो मेरे ऊपर उंगलियां डराते धमकाते थे खुदावन ने उन्हीं के सामने मुझे सरबुलंद किया और मेरे सींग को कायम किया मेरी अथॉरिटी को रुतबे को कायम किया ताकि वो जाने के रबाज जो है वो मेरे साथ है वो मेरी रहनुमाई करता है आए आजीजो इस वक्त वक्त हुआ है हम सुनते हैं खूबसूरत प्रस्तिष्ठ जिसे जो है वो प्रस्ताव दाइम गिल जो है वो गा रहे हैं आए इस प्रस्तिष को सुने और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें प्रेज़दलॉडल लोिया हाल लुआिया बहुत खूबसूरत प्रस्तृष जो थे वो वो गिल जो वो कर रहे थे और ये खूबसूरत प्रस्तिश उन्होंने अभी यंगसनाबाद के अंदर क्रसट जो हुआ है वहाँ पर की और इस परस्त के वसीला से बहुत से लोगों ने बरकत को सरफराजी को जो वो हासिल किया हम सारा इज़्ज़तनर और, और जलाल जो है वो खुदा उनको देते हैं तो आयीज़ वो अभी हम बातचीत करेंगे आपने आज के मेहमानों के साथ और सबसे पहले हम बात करेंगे पास्टर नसीम बरकत साहब से कि भाई साहब आप अपने ताल्लुक से अपनी खिदमत के तालु से जो है वो हमारे नाजरीन को जो फजल टी वी पर आपको देख रहे हैं उन्हें आगा करें खुदासी के कादर नाम में सबको सलाम आ, मेरा नाम पास् नसीम बरकत है और हम सब का ताल्लुक गेट फाइनेशन चर्च लाहौर पाकिस्तान के Praise साथ the Lord. और हमारे सीनियर पास् सदीक पॉल साहब हैं जिनको खुदा ने बड़ी आ, दूर से अपनी खिदमत के लिए बुलाया और आज कल वो आस्ट्रेलिया में मुकीम है अपने खानदान के साथ पाकिस्तान के अंदर मैं उनका असिस्टेंट होकर काम कर रहा हूँ खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा हूँ और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को बरक़ात बख्शी है और मैं चर्च में एज अ पास्टर के तौर पर नौजवानों के अंदर खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा हूँ और खुदा अपने जलाल के लिए टीचिंग और प्रीचिंग के वसी से इस्तेमाल कर रहा है ब्रेज़ दुलिया बहुत शुक्रिया भाई साहब और बड़ी खूबसूरत आप खिदमत कर रहे हैं जैसे अभी आपने बताया कि नौजवानों के अंदर और ये बहुत ज़रूरी है कि हम मौजूदा हालात के अंदर अपने नौजवानों को कलाम के ताल्लुक से ख़ुदा उनकी रहनुमाई के अंदर लेकर जाएं ताकि वो और बेहतर तरीके से इस दुनिया के अंदर जो है वो अपने आप को लेकर चलें और ख़ुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें तो जी नाजरीन अभी हम बात करेंगे सिस्टर शुमाइला नसीम साहिबा से कि वो भी जो ख़ुदावन ने उनके दिल के अंदर बाढ़ डाली है या जो ख़िदमत आप सर अंजाम दे रही हैं खुदावन के लिए जो नाज्रीन अभी आपको फ़ज़ल टी वी पर देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें थैंक यू पास्ते साहब जी मेरा नाम मिसिज़ शुमाइला नसीम बरकत है बेसिकली मैं पास्ते साहब के साथ खिदमत चर्च में तो नहीं करती हूँ लेकिन मैं फिलटेट जो है पास्ते साहब को करती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें और जब बीवी जो है वह अपने हसबेंड को फेसीटेट करती है किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आने देती है हर नीड्स को उनकी पूरा करती है तो फिर जो एक पास्टर है वो अच्छे तरीके से खिदमत कर सकते हैं खुदा की शुक्रगुजारी है कि जब से हम ख़िदमत में आए हैं खुदावन ने हमें ढेरों बरक़ात दी है इसके लिए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ थैंक यू Praise the Lord Hallelujah. बहुत शुक्रिया सिस्टर जी आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे और देखे नाज्रीन सिस्टर शुमाला जो है वो ये बता रही थी कि गो वो एवेंजलिज़म के काम के अंदर उनके साथ नहीं है लेकिन भरपूर तरीके से ख़ानदानी तौर पर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ख़ानदान के अंदर हस्बेंड को देखना बच्चों को देखना घर के मामला को देखना कलिसिया के अंदर दूसरे लोगों की हेल्प जो है वो करना गो वो कलाम डिलीवर नहीं करती या वमेन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी भरपूर तरीके से वो अपने हस्बैंड का साथ जो है वो दे हैं ताकि खुदा का खादम जो जो जिम्मेदारी उसको बख्शी गई है वो बेहतर तरीके से उसको जो है वो सर अंजाम दे सके और हम इस बात के लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दिल होकर खुदा उनकी खिदमत नहीं करते या दोनों अपने आप को उसके लिए डिवोट नहीं करते तो एक बेहतरीन खिदमत जो है वो सामने नहीं आती तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आप दोनों के लिए और सिस्टर आपके लिए भी कि आप भरपूर तरीके से उनका साथ देती हैं उनका ख्याल रखती हैं ताकि वो बेहतर तरीके से खुदा उनकी ख़िदमत जो है वो सर अंजाम जो है वो दे सके नाजरीन अभी हम बात करेंगे खुदा उनके खादम पासा पीटर साहब से भाई साहब आप भी जो आपकी गवाही है खिदमत के ताल्लुक से या कोई ऐसी खास बात जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसे सुनकर दूसरे जो है वह इंस्पायर हों और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले नाजरीन के साथ शेयर करें थैंक यू पास बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फजल टेलीविजन के जो चेयरमैन और बानी पास्टर इमरान फजल उनकी मिसिस पास्टर जो है मैविश, इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और जितने नाज़रीन मुझे देख रहे हैं मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और मैं मेरा ताल्लुक़ जो है वो गेट फोन से चर्च से है और जिनके जिस तरह के पासर साहब ने पहले भी बताया है कि उनका नाम पास्टर सदीक पॉल है और यहाँ पर मैं जो है अपने चर्च के अंदर एज़ ए पास्टर की भी ड्यूटी इस तरह अंजाम दे रहा हूँ और इसके बाद मैं अपने चर्च में क्वायर को लीड कर रहा हूँ और खुदामंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुझे खुदामंद ने चुना अपनी गवाही के लिए अपनी खिदमत के लिए क्योंकि ये जो एज होती है मेरे चीज़ों ये लड़कपन की एज होती है अगर हम इसको खुदा की लाइन पर लगा लें तो अच्छे वक्त के अंदर हम उसको खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर हम उसको दूसरे कामों में लगवा लें तो फिर ये होता है कि हम उसी तरफ ही आना शुरू उनका हमारा माइंड उसकी तरफ चला जाता है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मैंने आज जो एनालिसिस किया है अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत से नौजवान जो है मुनशे की हालत में है परेशान है और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते ये तमाम चीज़ें जो है हमें खुदा से दूर लेके जाती हैं अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी के बारे में तो हम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने खुदा को कबूल किया है मैंने अपना आप खुदावंद को सौंपा है तो मैं जितने नाजीन नौजवान आज मुझे देख रहे हैं बहन भाई जो भी हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मसीह को कबूल करें क्योंकि मेरे चीजों क्योंकि वक्त बहुत करीब है तो हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है ताकि मसीह की आमदसानी में हम जो है वो शामिल हो सके क्योंकि येसु मसीह ने कहा है कि जाता हूँ मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ जहाँ पर मैं हूँगा वहाँ पे तुम भी होंगे तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम भी उनमें शामिल हो सके और खुदा उनको जला नाम को जलाल दे सके थैंक यू जी बहुत शुक्रिया बहज़िला बहुत शुक्रिया पास्टर पीटर आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो नाजरीन के साथ की और देखें खुदा उनके खादम ये ही बता रहे थे कि जैसे वो अभी नौजवान ही हैं और खुदावंद ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है और ये बहुत खूबसूरत बात है जब हम नौजवानी के अंदर खुदावंद को अपनी जिंदगी देते हैं और उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर चलते हैं हम बहुत से ऐसी बातों से कामों से बच जाते हैं जो दीगर लोग जो जिनके अंदर जो है वो मुलवस हैं ना जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे और आप उसके साथ चलेंगे यकीन खुदावंद अपने खास फजल को आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो दाखिल करेगा और फिर वो प्लान वो मनसूब जो उसने आपके लिए खास आपके लिए तैयार किया है जब आप उसके चलेंगे, तो और आप इस जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जो है वो इंजॉय करेंगे और खुदावन के नाम को जो है वह इज्जत और जलाल जो है वह मिलेगा और खुदावन आपकी जिंदगी के अंदर फजल को बरकत को जो है वह लेकर जो है वो आएगा आए अभी हम बात करेंगे खुदावन की सिस्टर हिना ना साहिबा से सिस्टर आपकी जिंदगी के अंदर भी जो गवाही है जो बात आप करना चाहती हैं फजल टेलीविजन पर जितने आपको देख रहे हैं उनसे शेयर करें खुदावन के नाम को जलाल है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू फजल टी वी फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटफुल अपॉर्चुनिटी मैं अपनी गवाही तो कुछ इस तरह से पेश करूँगी कि मैं पहले तो खदमत से इस सब चीज़ों से बहुत दूर थी मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं था खिदमत क्या होती है और पास्टर के क्या एक पास्टर की क्या खदमत होती हैं लेकिन जब मैं इस फैमिली में इन हुई तब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुआ एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत मैं समझी हूँ कि एक जो पास्टर है जो खादम है उसकी बीवी भी खादमा ही हो सकती है क्योंकि वो बैकेंड पे जो ख़दमत सर अंजाम दे रही होती है वो बहुत बड़ा उसका किरदार है अपने हस्बैंड को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाना हम अक्सर मूसा का सरमन होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं फिर हम उनको इस तरह से कोशिश करते हैं कि उसको इस वर्डिंग में लेके जाया जाए ताकि लोगों तक ईजीली पहुँचे जो बात वो करना चाह रहे हैं वो लोगों तक किस तरह से उनके दिलों तक पहुँचाई जाए तो हम आपस में इस चीज़ को लाजमी डिस्कस करते हैं सेकेंडली ये होता है कि एक जो खादमा उसकी जो खादम की बीवी होती है वो उसको इनकेज भी कर सकती है डिसेज भी कर सकती है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या रोल अदा कर रहे हैं एक खादिम की बीवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो मैं समझती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि जो भी खादमा है खादिम की बीवी है उसको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सोच को उसके अकॉर्डिंग लेकर चले ताकि अगर उसका हस्बैंड या वो खुद भी कहीं थोड़ा बहुत आगे स्लिप हो तो एक दूसरे को संभाल सकते हैं मैं जब इस चर्च में इस खिदमत में इन हुई मुझे बोलने का भी तरीक़ा नहीं था मुझे मूसा ने बहुत कुछ सिखाया इन्होंने मुझे प्रज़ाइडिंग कैसे करना है वर्डिंग कैसे बोलना है आप गीत किसी को मतलब के बताने जब प्रेजाइडिंग करते हैं आपने वर्डिंग को कैसे प्रेजेंट करना है तो वो चीज़ें मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाई तो मैं इनको हेल्प करती हूँ ये मुझे हेल्प करते हैं ताकि हम इस राह पर एक दूसरे के साथ चल सकें थैंक यू रईज़ल हाल लोहिया खुदा उनकी शुक्र गुज़ारी करते हैं जी आप दोनों के लिए बड़ी खूबसूरत खिदमत आप खुदा उनके लिए कर रहे हैं और बड़ी इनक्रेजबल बातें जो थी वो सिस्टर हिना खास तौर पर आ, उन बहनों के लिए जो अपने हस्बैंड के साथ खिदमत के अंदर हैं या खिदमत वैसे कलाम की खिदमत नहीं करती लेकिन फैमिली के अंदर उन्हें सपोर्ट करती हैं तो आ, बेटी हिना जो है वो बड़ी ख़ूबसूरत बातें जो बता रही थीं कि जब वो इस खानदान के अंदर आई तो किस तरीके से उन्होंने इन बातों को सीखा बींग अ पास्टर वाइफ इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खादम की वाइफ होते हुए आपको हर तरीके से अपने हस्बैंड को जो है वो सपोर्ट करना है एक रोल मॉडल है आप अपनी कलीसिया के लिए क्योंकि बहुत सी बेटियां बहनें माएं आपको देख रही होती हैं जो आपको अपने लिए जो है वो मॉडल तस्वर करती हैं और आपने अपनी गवाही के वसीला से बातों के वसीला से अपने किरदार के वसीला से उन्हें इंस्पायर करना है कि खुदावन का फजल आपके घरानी में से दूसरों तक जो है वो जाए और ख़ुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले तो जितनी बहनें इस वक्त इन बातों को सुन रही हैं अगर आप किसी खादम की बीवी हैं बहन हैं या आप एवंजलिस्ट के साथ काम कर रही हैं जो भी खदमत खुदा ने जीती तौर पर आपको बख्शिया दयानदारी के साथ वो करें और अपने हस्बेंड को फुली सपोर्ट करें ताकि जब तक आप दोनों मिलकर यकदिल होकर एक सोच होकर एक विजन होकर खिदमत में आगे नहीं बढ़ेंगे तो बरकत कामयाबी और सरफराजी आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो नहीं आएगी और जैसे ही आप एक होकर एक विजन के साथ एक रोया के साथ एक सोच के साथ पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे को इंकरेज करते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये स्पिरिचुअल रूहानी जिंदगी का जो सफर है ये बेहतरीन तरीके से आप जो है वो बसर करेंगे और खुदावन के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल मिलेगा नाजरीन आप इन खूबसूरत बातों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अभी वक्त व है कि हम एक ब्रेक लेना चाहते हैं और मिलते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद और फिर गुफ्तगु का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा प्रेज प्रेस दुले लुआया वेलकम बैक नाजरीन हम ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में और ख़ास तौर पर उन नाजरीन को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हम बड़ी प्यारी गुफ्तू कर रहे थे ब्रेक से पहले और ख़ुदा उनके नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर इस किस्म की गवाही को लेकर आता है अपने फ़जल को ज़ाहिर करता है ताकि हम उसके बड़े कामों को जो वो हमारी जिंदगी के अंदर करता है बयान ताकि उसके वसीला से खुदा के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो मिले सो so, नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदा उनके so, हम दावत देंगे पास्टर नसीम बरकत साहब साहब को कि जो भी बात सोच खुदा ने आपके दिल में डाली है वो आप हमारे नाजरीन से जो इस वक्त फजल टेलीविजन पर आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें जी थैंक यू वेरी मच पर साहब मैं आज नौजवानों के तलुक से कलाम को बयान करना चाहता हूँ और इसके लिए हवाला है वाइस की किताब में से बारवा बाप और उसकी पहली आयत खुदा उनकी कलाम में यूमरकूम है और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं कलाम है का कपड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो आमीन मेरे अज्जो वाइस के बारहवें बाप की पहली सात आयात इंसानी ज़िंदगी के दो अदवार पर मुश्तम कलाम है और पहला दौर है जवानी और दूसरा दौर है बुढ़ापा इन दोनों के दरमियान ये चीज़ बयान की गई है कि जवानी के अंदर एक नया वलविला जोश और एक तहरीक है इंसानी जिंदगी के अंदर लेकिन जैसे ही उम्र ढलती है इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है तो हम आ, एक एक वर्ष के साथ सीखते चले जाएंगे और कलाम बयान करता है वाइस का ने भी कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने ख़ालिक को याद करो नौजवानी के आयाम में जो भी खुदावन को कबूल कर लेते हैं वो एक लंबी रेस खुदावन के लिए दौड़ते हैं लेकिन जब बुढ़ापे के अंदर कबूल किया जाता है कबूलियत तब भी है लेकिन वक्त गुजर चुका होता है और यह बयान है कि बुरे दिन हनूज नहीं आए जवानी के अंदर खुशी है उमंगे हैं और जवानी का जोर है लेकिन बुरे दिन से मुशाबत दी गई है कि अभी बुरे दिन नहीं आए ये बुढ़ापे की तरफ इशारा है और कलाम बयान करता है तीस याद में लिखा है जिस रोज़ घर के निगेबान थर थर आने लगें ये कलाम तशबी हाथ पर मबनी है ये जो बात कही जा रही है इसके मुताल कुछ और हैं और मरकूम है जिस रोज़ घर के निगेबान घर के निगेबान ये हमारे हाथ हैं जवानी के अंदर जो हाथ हैं वो कमाते हैं काम करते हैं और हम अपने घराने को बिल्डअप करते हैं अपनी शख्सियत को निखारते हैं संवारते हैं लेकिन एक रोज़ आता है कि बुढ़ापे के अंदर ये जो हाथ हैं ये थरथराने इनके अंदर कप कपी आ जाती है और होता ये है कि हम किसी चीज़ को भी पकड़ नहीं सकते अगली जो बात लिखी गई है वो ये है कि जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं जवानी के अंदर जवानी का जो, जो जोर है हमारी टांगों के अंदर है इधर से उधर उधर से इधर भाग भाग के काम करते हैं लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो यही जो टांगे हैं ये जवाब देना शुरू कर देती हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर खम आ जाता है कुबड़े हो जाते हैं और कलाम ये बयान करता है कि एक वक्त आएगा कि जब बुजुर्गी आलम होगा तो वो जोर वो जवानी की कुदरत कुछ जाती रहेगी और अगली बात लिखी है कि पीसने वालियाँ रुक जाएँ ये इंसानी दांत हैं हमारे दांत हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जब हम खुराक खाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से पीसते हैं तो वो जब मैदे के अंदर जाती है तो अच्छे तरीके से हज़म हो जाती है लेकिन बुढ़ापे के अंदर जब दांत नहीं रहते तो कलाम बयान करता है कि पीसने वालियाँ रुक जाएँ इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं दांत थोड़े से रह जाते हैं और फिर स्टमक का मेदे का इशू हो जाता है और फिर खुराक हजम नहीं होती अगली जो बात लिखी है वो ये है और खिड़कियों से झांकने वाली धुंधला जाए ये हमारी आंखें हैं और वक्त के साथ साथ ये भी धुंधला जाती है और इंसानी जिस्म की साख्त ऐसी है कि इसके अंदर हर एक चीज जो है वो कमी की तरफ जाती है कम होना शुरू हो जाती है और अगली बात लिखी है कि गली के कवाड़े बंद हो जाएं गली के कवाड़े हमारे ये होंठ हैं बुढ़ापे के अंदर आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग हैं वो जिस्मानी नकाहत के सबब से कमज़ोरी के सबब से उनसे बोला नहीं जाता चुप सी लग जाती है वही शख्स जो जवानी के अंदर बहुत ज़्यादा बातूनी था बोलता था लेकिन आज उसकी जो होंठ है वो उनके ऊपर चुपकी सी लग गई है और फिर अगली बात लिखी है कि जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए चक्की की आवाज से ये तशबी है हमारे कान के कुत समाज जो है ये भी जवाब दे देती है हम सुन ठीक तरीके से नहीं पाते बुढ़ापे के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं उनको समझाना पड़ता है उनके कान के पास जाकर बात को समझाना पड़ता है अगली बार लिखी है कि इंसान चिड़िया की आवाज़ से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियाँ ज़ीफ़ हो जाए इंसानी कसलत यह हो जाती है बुजुर्गी के आलम में ज़रा सा भी कोई आहट होती है या कोई चीज़ होती है इंसान फौरी चौंक उठता है और नगमा की सब बेटियों से मुराद ये है हमारा वोकल कॉर्ड जो है ये हमारी कुवत गोई है बोलने की जो हिस्सा है ये भी कमज़ोरी की हालत के अंदर चली जाती है पांचवी याद में लिखा है हाँ जब वो चढ़ाई से डर जाए और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकलें और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए ये सब चीज़ें बुढ़ापे की तरफ इशारा है कि इंसान थोड़ी सी ऊंचाई से भी डर जाता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ अगर गिर गया तो फिर चारपाई पे मैं चला जाऊंगा, मोहताज हो जाऊंगा, तो एक दहशत एक खौफ दिल के अंदर होती है और यहाँ पर एक जुमला इस्तेमाल हुआ है बादाम के फूल निकलें बादाम से तशबी दी गई है हमारे बालों की सफ़ेदी को और बादाम के फूल जब वाइस कमसर इसको बयान करता है कि जब बादाम के दरख पर फल आने को होता है तो जो फूल निकलते हैं वो सफ़ेद होते हैं उसके बाद ये गुलाबी हो जाते हैं और उसके बाद फिर बादाम बनता है तो ये बालों की सफ़ेदी को ज़ाहिर करता है और टिड्डी एक बोझ मालूम हो इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटा काम भी इंसान को पहाड़ जैसा मालूम होता है और हती ये है कि इंसान को अगर वाशरूम भी जाना हो तो मुश्किल पेश आती है एक पहाड़ नज़र आता है और जिसम की जितनी भी ख्वाहिशात हैं खाने की पीने की उठने की बैठने की या आउटिंग की ये सब कुछ ख्वाहिशात जो है मिट जाती हैं और एक सबक उस बात लिखी है क्योंकि इंसान अपने अबदी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फेरेंगे जब इंसान इस दुनिया से मुंतकिल हो जाता है उसका इंतकाल हो जाता है वो यहाँ से निकल कर दूसरे जहान में चला जाता है तो हर एक चीज उसके जाने के बाद खत्म हो जाती है और सात छठी याद में लिखा है पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए ये अहम बात है और अगर हम अमसाल की किताब पढ़ें दसवें बाप की बीसवीं आयत के अंदर लिखा है कि सादक की जुबान खालि चांदी की मानद है यहाँ पर जुबान को चांदी की डोरी कहा गया है कि एक वक्त आएगा कि यह जुबान भी बंद हो जाएगी कलाम बयान करता है पेशतर इससे कि इससे पहले कि यह जुबान बंद हो जाए सोने की कटोरी तोड़ी जाए सोने की कटोरी की तशबी है इंसानी दिमाग खोपड़ी और आज तक जितनी भी एजादाद हुई हैं ये जिन हम कैमरों के सामने बैठे हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये इंसानी दिमाग के सर पर हुई है और इंसान जो है वो इसी दिमाग को इस्तेमाल करके उससे ये सारी चीज़ें ऐजाद की हैं लेकिन एक वक्त आएगा ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी फिर कलाम बयान करता है कि घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए ये इंसानी दिल है चश्मा जो है ये हमारे खून की रवानी को ज़ाहिर करता है हमारी रगों के अंदर जो खून है उसको जाहिर करता है खून दिल तक पहुंचता है फिर फ्रेश ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ खून पूरे जिस्म को सप्लाई होता है लेकिन एक वक्त आएगा ये दिल भी बंद हो जाएगा और हौज का चरख टूट जाए ये मुराद है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से फेफड़ों से सांस का निज़ाम एक वक्त आएगा ये सांस की डोर भी खत्म हो जाएगी कट जाएगी और कलाम सातवीं आयत के अंदर बयान करता है खाक खाक से जा मिलेगी जिस तरह आगे मिली हुई थी और रू खुदा के पास जिसने उसे दिया है वापस जाएगी मेरे अजसो खाक खाक से मिलेगी खुदा ने कहा था कि तू खाक से लिया गया है तू खाक में फिर लौट जाएगा और रू जो खुदा ने इंसान के नतनों में जिंदगी का दम फूका वो वापस खुदा के पास जाएगी आज मैं नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातिब हूँ खुदा का कलाम यह कहता है कि जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करें आपके लिए ये बहुत अहम है आज हम अपने नौजवानों को देखते हैं नशे के हालत के अंदर है बहुत सी चीज़ें बुराइयाँ उनके अंदर हैं लेकिन खुदा आज आपसे मुखातिब है कि जब तू बुढ़ापे के अंदर जाएगा तो मोहताज हो जाएगा ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी उससे पहले जवानी के दिनों में अपने खालि को याद करें तो आपके लिए और मेरे लिए यही बेहतर है कि जवानी के अंदर अपना आप खुदा उनको दें थैंक यू वेरी मच रहीज़िला बड़ी खूबसूरत बातें पाई साहब आप हमारे नाजरन के साथ कर रहे थे कि हमें खुदावन को कबूल करना है उसकी खिदमत करनी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें अपनी जवानी के दिनों के अंदर जो है वो करनी है जब हमारे अंदर ज़ोर है क़वत है वलवला है और हम इन बातों को बेहतरीन तरीके से खुदावंत के लिए जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं खुदावंत के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं और नाजरीन आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं इन बातों को सुनने के बाद आप इस फ़ैसले को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं कि आपने किस तरीके से खुदावंत की खिदमत करनी है अगर खुदावंत ने आपको बुलाया हुआ है तो जब तक आपके अंदर ज़ोर है क़वत है बेहतरीन खिदमत को सर अंजाम दें खुदावंत के लिए ताकि आपकी मेहनत के वसीला से आपकी रिस्पांसिबिलिटी के वसीला से जिन्होंने अभी तक खुदावंत की खुशखबरी को नहीं सुना वो उस खुशखबरी को सुनकर खुदावन की बादशाहत के अंदर आएँ उसे कबूल करें ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो मिले नाज़रीन अभी हम आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल सेगमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं जो हाल ही में यंगसनाबाद क्रूसेड हुआ है और कलाम को सुनने के वसीला से जो तब्दीली लोगों की जिंदगी के अंदर आई है जो अपनी मुश्किल से आज़ाद हुए हैं जिन्होंने शफा पाई है हम इन गवाहियों को आपके पास ला रहे हैं ताकि इन गवाहीियों को आप देखें और सुने और खुदावन के ऊपर आपका ईमान जो है उसके कलाम के पर आपका भरोसा जो है वो बढ़े और आपकी जिंदगी के, आप के, के, आप के अंदर भी आएस और खुदाउन खात्मा सिस्टर महविश इमरान इन गवाही को आपके पास लेकर आ रही है इन्हें सुने और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलालें Uh, मेरी गवाही ये है कि जो है ना मेरी इधर इधर पाँच छः दिन से दर्द हो रही थी अभी जब सिस्टर ने और पास्टर जी ने दुआ किया तो शुक्र है खुदा का कि अभी मेरे से बैठा भी गया मैंने पूरी इबादत अटेंड की है Wow. here for swear pain when she came to the meeting she could not able to sit when you was praying and i was doing the, the interpretation the holy spirit has touched her and the swear pain of six days has been gone hallelujah hallelujah how long had you had the pain five days for five days and now all the pain is gone yes. Yes. Hallelujah. Do you know who healed you? Jesus, Jesus. Jesus. Come on, let's put our hands together for Jesus. God bless you. What was the problem you had heart failure, Heart problem. The yeah. doctor say his heart, heart has problem. been failed. How, how long had you had the heart problem? Two years. And did it cause pain in your body? He was all the time in severe pain. So Severe pain for two years? Yes. Wow, and what happened tonight? Right now he has been healed. You have no more pain. No more pain. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do you know who healed you? Yes. Jesus. God bless you, brother. Come on, let's put our hands together for Jesus. Praise the Lord. What happened? What was the problem? तो को गई सद में राज अंदर एक्सीडेंट हो गया थी मेरा आदमी दी लत पट गई थी मेरा हाथ टूट गया मैं सात बाद उठी मलजी तो ये सुबह 20 मिनट तक रही मैं ये सुबह पे उठा के मैं खा कर दी सास से लॉर्ड फ्रॉम वन ईयर शी वाज ऑन द बेड ओके Praise the Lord! From one year she was on the bed. She had accident. The shoulder was broken and the hip bone was broken. Wow. But today God has healed. Hey, you had no. It was been. It was broken. Your right shoulder and your right leg. आपकी जो है भाई पूछ रहे हैं यहां से कंधा और यहाँ से हड्डी टूटी हुई थी हां हड्डी टूटी थी दिस शोल्डर बोन वाज टोटली ब्रोकन हुई हड्डी इट वाज क्रोकेट एंड कुड यू लिफ्ट द आर्म एट ऑल आप पहले बाजू उठा सकती थी हाँ जब टूटी हुई थी तो उठा सकती थी हाँ जी तो आज हम उठा सकनी किसने शिफा दी यशू गॉड हैज हील्ड हर हालेलुया यू हैव नो मोर पेन अब दर्द तो नहीं है नहीं जरा बाजू हिलाकर दिखाओ सर इसके नोज से खून आता था ये चार महीने से

The nose was bleeding. But right now when he got prayed, the bleeding has been stopped. Hallelujah. Hallelujah. Do you know who healed your son <laughs> tonight? Who healed your son? Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. What was the problem? She was having pain in the stomach. When she came to the meeting and God has healed her How now. How long did you have the pain? From last two, three days. Two, three days you have pain in the stomach. And now when we prayed, the pain is gone. She said, I'm completely healed. Hallelujah. Hallelujah. Do you know who healed you? Jesus Christ. Jesus! Hallelujah! Uh, dard dard she had severe pain in her uh, leg that she got injection, then she would able to walk. So she had to go and get an injection to be able to walk? A able to walk because of the pain. But right now the pain has gone. How long did you have the pain? Fifteen days. Fifteen days, and now the pain is gone? No, 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 no. Completely healed. Let's on, walk give with her.

When we ask her people to stand up on the feet, very difficult. But on faith, she stood up and she feels something stretched on her body, and the pain has gone. Where was the pain? Backbone. In the backbone. Yes. For how? Ten years. Yes. Kitne saal se? Ten years. And so now you can walk around without pain. Ab Is you have any pain? Ab Ram, hallelujah! hallelujah thank you Jesus Yesu, tera ho. sister who healed you tonight Yesu ne. Jesus Jesus praise, the lord. praise the lord what happened what was the problem

You were totally healed? Yes. Hallelujah. Come on, bend over. Zara Any Any pain. Abdar no. no more pain. Hallelujah. Hallelujah. Do you know who healed you? Yes, Jesus. Jesus. Hallelujah. ब्लैस प्रेस द लॉर्ड हालिया अभी आप इन खूबसूरत गवाहियों को देख रहे थे जहां पर खुदावंत की कुदरत को बयान किया जा रहा था कि किस तरीका से जब उन्होंने इन खुदावंत के कलाम को सुना कबूल किया अपनी स्पिरिट के अंदर तो क्या डेवलपमेंट उनकी फिजिकल बॉडी के अंदर जो है वो जाहिर हुई और आप देख रहे थे कि लोग गवाहियाँ दे रहे थे जो सालों से बीमार थे किसी प्रॉब्लम के अंदर थे अबलीसी कुत के अंदर गिरफ्तार थे जूँ ही उन्होंने कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम किया ईमान के साथ तो कलाम ने हर तरह के बंधनों को उनकी जिंदगी में से खोल डाला आजाद कर डाला और शिफा अता कर दी और खुदा के नाम को हम सारा इज्जत और जलाल जो है वो देते हैं आए नाजरीन अभी हम आपके लिए दुआ करेंगे आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने अभी हमें भेजी है हम खुदा उनके फजल को आपके लिए चाहेंगे ताकि खुदा उनका जलाल जो है वह आपकी जिंदगी के ऊपर जाकिर हो जिंदा जलाली आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदादीन प्यारों के लिए जितनों ने आज के इस प्रोग्राम को देखा है और इनकी सारी दरख्वास्तों को जो इन्होंने हमें भेजी हैं हम उन्हें तेरे मसह पर रखते हैं खुदांद हर तरह की वबा को बीमारी को परेशानी को तेरे यस्सुना नासरी नाम से डांटते हैं खुदांद खुदा, खुदा कि इनकी ज़िंदगी में से जाती रहे अपने लोगों पर अपने ख़ास फजल को जारी करता कि ये तेरे यस्सुनासरी नाम की गवाही दें और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी के अंदर दिन ब दिन बढ़ता चला जाए एक एक को छू और ब्लेस कर खुदा खुदा इसी तरह हम खुदांदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को सलामती को चाहते खुदा खुदा तेरे खादम के, लिए। तेरी मेविश के लिए उनकी फैमिली के, के, के लिए जो तूने हमें अता किया ताकि इसके वसीला से हम तेरी खुशखबरी को तेरी गवाही को बहुत सी जिंदगी के पास लेकर जाए खुदा खुदा हम सारा इज्जत ऑनर और जलाल तेरे कुद नाम को देते हैं यस्सुनासरी के नाम से آمين آمين बहुत शुक्रिया नाजरीन आ यकीन आज के प्रोग्राम को आपने इंजॉय किया और ख़ुदा उनके फजल को बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल किया है अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है मैं चाहता हूँ कि अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ सबसे पहले पास्टर नसीम बरकत साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए इसी तरह सिस्टर शुमाइला आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए पास्टर मूसा पीटर साहब आपका भी शुक्रिया और सिस्टर हिना मूसा साहब आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आप हमारे नाजरन के लिए बरकत का जो है वो बाईस बने नाजरन अभी आपसे भी इजाजत चाहते हैं और सारा जलाल जो है वो खुदा के कदस नाम को देते हैं देखते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल और अपना ख्याल रखिएगा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमानों के साथ और मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद